मेरी मेरी बच्ची ऐसे बेम बेम है। मेरी बच्ची ऐसे मौत मौत हो है की का जिम्मेदार कौन होगा ये बताओ मैं कहा से अपनी बच्ची को लाऊंगी <laughs> किस तरह से मैं दिन रात तड़प रही अपनी बच्ची के लिए ना मैं खा रही ना पी रही ना मुझे नींद आती किस तरह से तड़प रही अपनी बच्ची के लिए इन लोगों ने मुझसे मेरी बच्ची को छीन लिया <laughs> दिल्ली में बीती पाँच तारीख को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कि पूरी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार दोबारा से सवाल खड़ा कर दिया है चौदह साल की एक बच्ची जिसका नाम फायज़ा अंसारी था वो कैंसर से पीड़ित थी उनकी डेथ हो गई क्यों क्योंकि उन्हें कहीं पे भी बेड नहीं मिला दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में फ़ायज़ा के लिए कहीं एक बेड ना मिलना एक सवाल है हमारे साथ इस समय फ़ायज़ा की अमी मौजूद हैं जो जिनसे हम बात करेंगे क्या हुआ था असलियत में क्या नहीं हुआ था क्या हुआ था फाइजा के साथ आप लोगों ने क्या कोशिश की थी सर, मेरी बेटी तीन महीने से बीमार थी जी। पहले तो मेरी बेटी को एक महीने से ज्यादा टी हॉस्पिटल वालों ने रखा वहाँ पे मेहरोली को तो मीनार के पास लाला सौरभ हॉस्पिटल है उन्होंने मेरी बेटी को जितना हो सका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके ना गंदे पानी की परत जमी हुई है हम आपकी बेटी को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट में रेफर करते हैं मैं वहाँ पे आ गई एक महीने से ज़्यादा उन्होंने भी रखा मेरी बेटी का ऑपरेशन किया सक्सेसफुल हुआ सब कुछ अच्छे से हुआ डॉक्टर प्रियणा ने मेरी बहुत हेल्प भी की ऑपरेशन के पैसे भी नहीं लिए मेरे से बहुत अच्छे से मेरी मदद करी उन्होंने लेकिन ऑपरेशन के दौरान उन्होंने मेरी बेटी का फेफड़े का एक टुकड़ा लिया जिसकी रिपोर्ट एक महीने बाद आती है तो वो बोलते हैं कि आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है सर उस टाइम उन्होंने मेरे उन्होंने मेरे से बोला कि आप एम्स से चले जाओ आपकी बेटी का इलाज एम्स होगा लेकिन सर मैं एम्स गई तो मुझे वहाँ से वापस भगा दिया उन्होंने कोई इलाज नहीं दिया मेरी बेटी को कहने लगा यहाँ इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास फिर मैं अपने वहीं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट में वापस आती हूँ डॉक्टर प्रेरणा से बात करके उन्होंने मेरी बेटी को फिर भी रख लिया जबकि मेरी बेटी का वहाँ इलाज नहीं था फिर भी उन्होंने मेरी बेटी को रखा ऑक्सीजन की वजह से उसके बाद सर उन्होंने मेरे को दिल्ली स्टेट दिल्ली स्टेट कैंसर हॉस्पिटल में भेजा कि आप वहाँ चले जाओ वहाँ रेफर दी उन्होंने मेरे पास बाकायदा रेफर है जी। मैं वहाँ गई उन्होंने मेरी बेटी की फ़ाइल बनाई फ़ाइल बनाने के बाद वो मेरे से बोलते हैं बच्ची को चेक करने के बाद कि जी हमारे यहाँ ब्लड कैंसर का कोई इलाज नहीं है आप इसके लिए एम्स ही जाओ उन्होंने मेरे को एम्स में तो उन्होंने भी रेफर दी लेकिन सर मैं दस दिन तक धक्के खाती रही मेरी बेटी की किसी ने सुनवाई नहीं करी नहीं। मेरी बच्ची दर्द से कराती थी तड़पती थी बहुत ज्यादा और डॉक्टर से बोलती थी कि अंकल मुझे बेड दे दो अंकल मुझे बिस्तर दे दो अंकल मेरी एक साल की पढ़ाई खराब हो गई अंकल मुझे पढ़ना है अंकल मुझे कुछ बनना है लेकिन डॉक्टर ने मेरी बच्ची को ना इलाज दिया ना दवाई दी ना कुछ नहीं करा मेरी बच्ची का मेरी बच्ची रोज तड़पती थी मैं ऐसे हाथों में लेके अपनी बच्ची को खड़ी रहती थी एम्स हॉस्पिटल के बाहर तो है सीरियस ले रहे क्या रहा को है कोई बैड वैड नहीं है जाए यहाँ से सर बहुत परेशान है मेरी बच्ची देखो कितनी तड़प रही मेरी बच्ची देखो मेरी बच्ची कितनी तड़प रही है सर और इसकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही ना इसको अंदर ले रहा है सर सर बहुत परेशान कर रहा है मेरे को सुबह नौ बजे यहाँ धक्के खाते खाते ये टाइम आ गया एक दिन डॉक्टर सलीम ने आके देखा भी वो अंदर बुलाया उन्होंने मुझे और एक पर्चा बनाया और पर्चा बनाने के बाद मेरी बेटी को देख के बोलते कि नाटक कर रही है ये यह जाओ यहाँ से चले जाओ सफदर जंग उन्होंने रेफ़र लिख के दी सर में सफ जंग गई तो उन्होंने भी एक इंजेक्शन लगा के वापस भगा दिया और कहा इसका इसका आपकी बच्ची का इलाज एम सी में ही होगा लेकिन सर मेरी बच्ची को इलाज नहीं मिला टाइम पे जिसके कारण मेरी बच्ची की मौत हो गई सर अगर मेरी बच्ची को टाइम पे इलाज मिलता तो आज मेरी बच्ची मौत के मुंह में नहीं जाती मेरे साथ होती बहुत सपने थे बहुत अरमान थे मेरी बच्ची के कह रही मेरी बच्ची रो रो के वीडियो में भी बोल रही कि सरकार तो बोलती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर लेकिन मेरी तो बेटी ना बची ना पढ़ी किस तरह से बढ़ाओगी किस तरह से बचाती मैं मैंने बहुत कोशिश की बहुत कर्जा करा अपनी बच्ची को बचाने के लिए बार बार बोलते बेड नहीं है बेड नहीं है कब तक बेड नहीं रहेंगे इंसान मर जाएगा जब बेड देंगे हर हॉस्पिटल में यही बोला जा रहा है कि बेड नहीं है बेड नहीं है लेकिन सर मेरी डॉक्टरों ने एक भी नहीं सुनी और मेरी बच्ची को इलाज नहीं दिया और बाद में जब एडमिशन दिया तो तब दिया जब मैंने अपनी वीडियो वायरल कर दी मीडिया पे सर जब एडमिशन दिया तो क्या दिया दो चार घंटे रखने के बाद मुझसे बोलते तुम्हारे बाहर खड़े हो तुम्हारी बच्ची को वेंटिलेटर पर डालेंगे सर मेरी बच्ची मुझसे बोलती बोलती इन्होंने पता नहीं क्या करा मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया <laughs> मेरी बच्ची ऐसे बेम बे मौत मरी है मेरी बच्ची की मौत का जिम्मेदार कौन होगा ये

चाहती स्कूल की पहनी थी हमने इस पूरे मामले में एम्स के स्पोक्स पर्सन से बात करने की कोशिश करी उनको मेल भी भेजा पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया मीडिया रिपोर्ट की माने तो एम्स ने सारे एलिगेशन को झूठा बताया है और बोला है की फायजा के पेरेंट्स पहले मीडिया में चले गए इमरजेंसी में नहीं आए वहीं दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है ये पूछा है कि क्यों फायजा को डीएससीआई में बेड नहीं मिला आप देख रहे थे स्टोरी में सक्षम शर्मा कैमरामैन मदन के साथ